हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। तो फाइनली अप्रिलिया XSR 160 इंडिया में आने को रेडी है, जिसका प्री बुकिंग कंपनी ने ऑफिशियली शुरू कर दिया है, जिसका आप ₹5,000 प्री बुकिंग अमाउंट देकर इसकी प्री बुकिंग करा सकते हैं। इस मैक्सी स्कूटर को पहली बार 2020 ऑटो एक्सपो में रिवील किया गया था, उसके बाद ही इसको लॉन्च भी किया जाना था, लेकिन COVID-19 की वजह से इसके लॉन्च होने में देरी हो गई है, लेकिन अब इसे जल्दी लॉन्च किया जाएगा। तो इस स्कूटर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो इस स्कूटर को टोटल 4 कलर ऑप्शन, मैट ब्लू, मैट ब्लैक, ग्लॉसी व्हाइट और ग्लॉसी रेड में लाया जाएगा। कंपनी ने इसमें ग्लोबल डिजाइन ही दिया है। इसके डिजाइन को अपने स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। ये स्कूटर मैक्सी स्कूटर के सेगमेंट में आती है, जिसका इंडियन मार्केट में कहीं ना कहीं सुजुकी बर्गवन से सीधा मुकाबला होने वाला है। इसको आप फ्रंट से देख सकते हैं। इसके फ्रंट में बड़ा सा विंड सीट लगा हुआ है। इसके फ्रंट एप्रन पर हेडलैम्प के साथ डीआरएस दिया गया है। साइड व्यू से इसे देख लेते हैं, तो यहाँ पर आपको साइड पर हल्की सी ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है। फ्लोरबोर्ड के नीचे वाले हिस्से पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अप्रिलिया की बैजिंग दी गई है। साइड पैनल पे काफी अच्छी कट्स बनाए गए हैं। काफी लंबी सीट दो लेयर की मिल जाती है। पीछे के साइड स्टाइलिश टेल लैंप, स्टाइलिश एग्जॉस्ट सिस्टम भी लगा हुआ है। इसके अलावा स्प्लिट ग्रैब रेल भी यहाँ पे दिया गया है। तो कुछ इस तरीके का आपको इसमें डिजाइनिंग देखने को मिल जाता है। इस स्कूटर में काफी बोल्ड डिजाइन दिया गया है, जो कि खासकर यंग जनरेशन को काफी पसंद आने वाली है। इंजन की बात करें तो 160.03 सीसी का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक एयर कूल्ड SOSE 3 वाल्व इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है, जिसका यह इंजन 7600 RPM पर 11 PS का पावर, जबकि 6000 RPM पर 11.6 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में फ्रंट फॉर्क विद 30mm इनर ट्यूब और रियर में एडजस्टेबल मोनोशॉक ऑब्जर्वर सस्पेंशन लगा हुआ है। टायर और ब्रेक की बात करें तो इसके फ्रंट और रियर में 120x70 का 12 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया है, जिसके फ्रंट में 220mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 140mm का ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। सेफ्टी के लिहाज से इसमें ABS का इस्तेमाल किया गया है। फीचर्स की बात करें तो इसमें फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल दिया गया है। इसके डिजिटल मीटर में क्या कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, इसके लॉन्च होने के बाद ही आपको पता चलेगा। इसमें LED हेडलैम्प और LED टेल लैम्प दिया गया है। मोबाइल चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है। सीट के नीचे आपको बड़ा सा स्टोरेज मिल जाएगा और इसमें अलाउंस भी दिए गए हैं। डायमेंशंस की बात करें तो इसका लेंथ 1960mm विद 803mm, हाइट 1353mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 7 लीटर है। हालांकि अभी इसकी प्राइस नहीं बताई गई है, क्योंकि ये प्राइस आपको इसके लॉन्च होने के बाद पता चलेगी। तो इसकी प्राइस कितनी तक होनी चाहिए इंडियन मार्केट में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसकी एग्जैक्ट प्राइस इसके लॉन्च होने के बाद ही मैं आपको बताऊंगा। अगर आप प्री बुकिंग कराना चाहते हैं तो आपको इसके लिए ऑफिशियली वेबसाइट या फिर अपने नजदीकी अप्रिलिया शोरूम पे जाकर इसकी प्री बुकिंग करा सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप जाकर प्री बुकिंग करा सकते हैं। हालांकि इस स्कूटर का इंडियन मार्केट में एक्सशोरूम प्राइस 1.20 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। इंडियन मार्केट में अप्रिलिया स्कूटर इसलिए भी ज्यादा नहीं देखी जाती, क्योंकि इंडिया में इसके शोरूम बहुत ही कम है, लेकिन कंपनी ने नए स्कूटर के साथ अपनी सेल्स और सर्विस को बेहतर करने के लिए इंडिया में डीलरशिप की संख्या को बढ़ाने की तैयारी में लग गई है। अगले साल कंपनी ने 100 नए डीलरशिप इंडिया में खोलने का लक्ष्य बनाया है। हाल ही में कंपनी ने इस बात का घोषणा भी किया है। तो यहाँ पे इस वीडियो में बस आपको इतनी जानकारी देनी थी। इस स्कूटर के बारे में जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको दे दिया है। इसके लॉन्च होने के बाद एक बार फिर से आपके लिए मैं वीडियो लेकर आऊंगा, जहाँ पे इसकी डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी, इसकी एग्जैक्ट प्राइस आपको पता चल जाएगी। ये स्कूटर आपको देखने में कैसी लगी, इसके स्पेसिफिकेशन आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।